हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें टोटल एनर्जी निकालनी है उस पार्टिकल की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जब इस तरफ को करेगा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है dy, तो इसमें फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये पार्टिकल ऐसे इधर से इधर मूव करता है ऐसे, तो इनके बीच में जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। 180 डिग्री इसके बीच में एंगल है। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू होगा f वेक्टर डॉट dy वेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए f dy cos 180 डिग्री आएगा, और cos 180 डिग्री होता है माइनस 1, इसलिए आपको मिल जाएगा माइनस f dy, ठीक है। अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता है तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। फोर्स की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस के वाई, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा जब हम स्प्रिंग्स की बात करते हैं, लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पे जो के है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, या तो हम कह सकते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस के वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा के वाई, और यहाँ पर डी वाई भी है तो डी वाई आ जाएगा। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ के वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, के की जो वैल्यू होती है वो होती है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यही वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और वी की वैल्यू जो है, वी की वैल्यू आपको यूज़ करनी है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करना होगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पुट कर दो आप, तो आपको मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बच जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एम और ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर सभी क्या है, कॉन्स्टेंट है, जिनकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर कॉन्स्टेंट। तो इसी के साथ हमने इस डेरिवेशन को कर दिया कंप्लीट। अब मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।